जनपद सीतापुर के थाना थान गांव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक महिला की गला दबाकर की गई निर्मम हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आ रहा है। राम सागर है और हम रहे थे रंगवा में, यहाँ और बहन भी रहे हलीम नगर में, यहाँ और जा चीज रात में भय है, सब चक्कू से मारी नहीं है और नट्टी दाग भी मारी नहीं है। राजा राम कमलेश उत्तम, उनके बाप का नाम है गोपीचंद, इनके पहले रहा है कुछ लमसम में रहा है कुछ, तो फैसला हम कराए दे रहा है, तब से कोई बात नहीं रहा, हमका खुद कहीं नहीं मारे गए, तो हम ऐसे ना रहनी है हमको, जब तबीयत रहा बस। तहरीर पुलिस को आपने दे दिए? हाँ दे दिया। देखिए राम सागर हैं, पिता का नाम चेतराम, ये रंगवा थाना थान गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने सूचना दिया है कि इनकी बहन गीता देवी, पति का नाम मस्तराम, उम्र 40 साल, हलीम नगर थान गांव में इनकी बहन रहती थी। इन्होंने सूचना दिया है कि इनकी बहन की हत्या उन्हीं के गांव के रहने वाले उत्तम उर्फ पटवारी, पिता का नाम गोपीचंद, ने अपने दो भाइयों राजा राम और कमलेश के साथ मिलकर गला दबा के इनकी बहन की हत्या कर दी है। इस पूरे प्रकरण में ये तथ्य भी प्रकाश में आया है कि मस्तराम पिछले 5 सालों से कहीं चले गए हैं। ये गीता देवी अपने बच्चों के साथ घर पे अकेली रहती थी। इस बीच इनका उत्तम का इनके यहाँ आना जाना था, इनका आपस में प्रेम प्रसंग भी था। गीता देवी उत्तम से शादी भी करना चाहती थी, इसी बात को लेकर लगातार उत्तम पे दबाव भी बन रहा था कि शादी कर ले गीता देवी से। ये राम सागर का कहना है कि इसी बात को लेकर, शादी करना नहीं चाहता था, इसी बात को लेकर उसने गीता देवी की गला दबाकर, अपने भाइयों के साथ गला दबाकर इनकी हत्या कर दी है। मौका मुआयना किया जा चुका है। इसमें वादी राम सागर की तहरीर के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ उत्तम, राजा राम और कमलेश के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं, जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई लाइन ऑर्डर की समस्या नहीं है, जल्द ही इनकी गिरफ्तारी करके इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।